वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी स्किन का सीक्रेट, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बनाने में बहुत ही आसान है और सिर्फ आपको लेना है एक ही चीज़ और जो आपकी काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। जैसे कि अगर आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन पर कोई ग्लो नहीं है, तो ये रेमेडी आपकी स्किन पर ग्लो लेके आएगी। अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं या फिर एक्ने हैं, तो ये उनको भी काफ़ी हद तक ठीक करेगी। या फिर आपकी स्किन पर सन टैन है, डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपको अंडर आई सर्कल हैं, तो ये उनको भी ठीक करेगी। और फिर अगर आपकी स्किन पर टाइम से पहले झुर्रियाँ आ गई हैं, मतलब आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ओल्ड दिखने लग गई है, तो ये उसको भी ज़्यादा अच्छे से रिमूव करेगी। तो है ना मस्त रेमेडी। तो फ्रेंड, इस रेमेडी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक सिंपल सी होम रेमेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जल्दी सी आपको लेना क्या है। हमारा जो यहाँ पर मेन इन्ग्रीडियंट है वो है ये पाउच, और ये है ग्रीन टी पाउच। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग नहीं रहे, तो आप ग्रीन टी को अपनी लाइफ में आज से अभी से शामिल कर दें, क्योंकि ग्रीन टी आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगी। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको सोल्व करने में काफ़ी मदद करेगी आपकी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हैंड में ग्रीन टी पाउच, मैंने इसको कट कर लिया है, ये देखिएगा। अब हम इसको निकालेंगे बोल के अंदर। आपको पूरा पाउच नहीं लेना है, आपको सिर्फ थोड़ी सी ग्रीन टी लेनी है, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। लेमन ऐड करने के बाद आपको इसे थोड़ी देर रख देना है, ताकि जो ग्रीन टी है वो अपना रंग लेमन के अंदर छोड़ दे, ताकि लेमन का जो जूस है वो ग्रीन ग्रीन हो जाए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपके फेस पर कोई मेकअप या फिर कोई मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। आपको जो भी फेस वॉश पसंद है आप फेस वॉश करें, और उसके बाद जब ग्रीन टी अपना कलर लेमन जूस में छोड़ दे, उसके बाद आप इसको अपने फेस पर रब करेंगे। दस से 15 मिनट तक आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आपको जेंटली रब करना है। आपको इसी तरह से 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। हमने इसके अंदर ऐड किया है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ हैं या हल्के हल्के रिंकल्स आ गए हैं, तो ये उनको भी अच्छे से कवर करेगा, मतलब कि बिल्कुल रिमूव कर देगा, आपके चेहरे पर ब्राइटनेस लेके आएगा। फिर हमने यहाँ पर ऐड किया है लेमन। लेमन में एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, विटामिन सी, विटामिन बी और फास्फोरस, जो आपकी त्वचा को अंदर से निखारते हैं। अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज करोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपकी स्किन पर थोड़ी शाइन या थोड़ा सा ग्लो आना शुरू हो जाएगा। और ये रेमेडी आपको हर रोज़ ट्राई करनी है, जब तक आपको विजिबल रिजल्ट ना मिले। मैं इस रेमेडी को हर रोज़ डेली बिल्कुल याद से लगाती हूँ, उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। ये स्टेप उन लोगों के लिए है जिनको लेमन सूट नहीं करता है फेस पे। जिनको लेमन सूट करता है वो फर्स्ट वाला अपनाएं, जिनको लेमन सूट नहीं करता है तो आप ये वाला स्टेप अपना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन टी। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुलाब जल। मैं यहाँ पर पतंजलि का गुलाब जल ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो कोई भी गुलाब जल है आप उसको ऐड कर सकते हैं, और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि ग्रीन टी अपना कलर छोड़ दे, मतलब कि जो हमने गुलाब जल डाला है उसके अंदर वो थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। फिर आपको इसके साथ अपने फेस पर करनी है मसाज, वही 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए, इस तरह से आपको मसाज करनी है 15 से 20 मिनट तक।
आपको जेंटली रब करना है, बिल्कुल टाइटली रब नहीं करना आपको, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि अगर आप टाइटली रब करोगे तो आपके फेस पर जल्दी झुर्रियाँ आ सकती हैं, तो इसीलिए आपको जेंटली रब करना है। तो ग्रीन टी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीन टी हमारी फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमने यहाँ पर लिया है गुलाब जल। गुलाब जल आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखने में आपकी काफ़ी मदद करता है। और जो ये वाला स्टेप है, आप इसको अंडराई सर्कल पर भी लगा सकते हैं। जो लेमन वाला है, आप उसको अंडराई सर्कल पर ना लगाएं। आप इस स्टेप को अंडराई सर्कल पर लगा सकते हैं, अगर आपको अंडराई सर्कल हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 20 मिनट तक मसाज करेंगे, उसके बाद आप इसको छोड़ दें ऐसे ही। एक घंटा, दो घंटा, जो भी आपको काम करने हैं घर के, आप वो काम करें, उसके बाद आप इस अपना फेस वॉश नॉर्मल पानी के साथ करें। तो फ्रेंड, अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं भी इसको हर रोज़ डेली तौर पर यूज करती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा यही मोटो है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें ही बताऊँ। अपनी फैमिली मतलब कि आप लोगों को, जो आप लोगों की स्किन के लिए या फिर आपकी हेयर के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें ही आप लोगों को बताऊँ, वही चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखें कि हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। हाँ, कोई रेमेडी हो सकती है आपकी स्किन पर असर ना करे, लेकिन दूसरी रेमेडी कर दे, है ना। तो फ्रेंड, आप निराश मत होइए। ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, इस रेमेडी को अपनाने के बाद आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। बाय बाय।